दोस्तों आप सभी का हमारे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत है। दोस्तों वैसे तो धरती पर बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर हम जा सकते हैं, लेकिन एक जिंदगी में यह सब जगह देखना नामुमकिन है। पर उनमें से ही कुछ ऐसे खतरनाक जगह है जहां पर लोग जाने से डरते हैं, और अगर इन जगह पर जाना है तो बहुत सावधानी से जाना चाहिए, क्योंकि छोटी सी गलती भी लोगों की जान ले सकती है। प्राकृतिक की यह रचनाएं देखने में बेहद खूबसूरत और खतरनाक है, जिसे शायद ही आपने देखा होगा। और अगर आपको एडवेंचरस और डेंजरस जगह पसंद है तो इस वीडियो को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको दुनिया के 5 सबसे खतरनाक जगहों के बारे में बताऊंगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बाजू वाली बेल आइकन को दबा देना। नंबर 5, दरवाजा क्रैटर। दोस्तों इसे गेट ऑफ हेल के नाम से भी जाना जाता है, जो तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। कारकुम डेजर्ट के बीच में यह गड्ढा पूरे 40 साल से भी ज्यादा इसके अंदर आग जल रहा है, जो कि 230 फीट इतना चौड़ा है, और इस गड्ढे का आग बहुत दूर से ही लोगों को दिख जाता है। यह दरवाजा क्रैटर साल 1971 से है। जब लोग इस जगह पर खुदाई कर रहे थे तो अचानक ही जमीन खिसक कर अंदर बड़ा गड्ढा बन गया, और वहाँ के मशीन भी इसके अंदर गिर कर जल गए। पर वहाँ के गवर्नमेंट को लगा कि यह आग 2 से 3 हफ्ते तो में ही बुझ जाएगा, पर अभी तक यहाँ आग ऐसा ही जल रहा है। कमाल की बात यह है कि यह जगह पर गड्ढे के अंदर आग जल रहा है, जो बहुत खतरनाक है, पर फिर भी लोग बहुत दूर दूर से इस जगह का नजारा लेने के लिए आते हैं। अगर इस जगह पर थोड़ी सी गलती भी हो जाए तो लोगों को भारी पड़ सकता है। वैसे तो यह गड्ढा खतरनाक के साथ रहस्यमय भी है। नंबर 4, स्नेक आइलैंड। ब्राजील के साओ पाउलो से 93 माइल्स दूर एक आइलैंड है, जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक जगह माना जाता है, क्योंकि इस आइलैंड को स्नेक आइलैंड कहा जाता है, जहां पर दुनिया के सबसे खतरनाक और जहरीले सांप लाखों के संख्या में पाए जाते हैं। वो भी आइलैंड पूरे सांपों से ही भरा हुआ है, और यहां पर कोई गार्डन स्नेक नहीं बल्कि सबसे जहरीला गोल्डन लेंस हेड वाइपर पाए जाते हैं। अगर यह सांप इंसान को काट ले तो 1 घंटे में ही इंसान की जान जा सकती है। इस आइलैंड पे साल 1920 में इस जगह के लाइट हाउस कीपर और इसके पूरे परिवार को सांपों ने मार दिया था, इसीलिए यहाँ पर इंसानों को आना मना है। बस वहाँ के मिलिट्री ही यहाँ पर अलाउ है। बहुत बार जब मछुआरे यहाँ पर भटक के आ जाते हैं तो वो सांप के डंक के वजह से बोट में मरे हुए पाए जाते हैं। नंबर 3, विक्टोरिया फॉल्स। दोस्तों साउथर्न अफ्रीका के जामजी रिवर पर विक्टोरिया फॉल दुनिया का सबसे शानदार अट्रैक्शन है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल भी है। और इस वाटरफॉल के बाद डेविल्स पूल है, जो कि नेचुरल मेड पूल है, जहां पर लोग इस झरने के एकदम किनारे पर स्विमिंग करते हैं, इसीलिए इसे डेविल पूल कहा जाता है। यहाँ पर लोग स्विमिंग इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि इस जगह के एक किनारे पर पानी का बहाव बहुत कम है, पर फिर भी यहाँ पर तैरना आसान नहीं है। सिर्फ शेरदिल या जिसे एडवेंचरस थ्रिल चाहिए ही यहाँ पर स्विमिंग कर सकते हैं। यहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर थोड़ा ऊपर होने के वजह से लोग नीचे गिरने से बच जाते हैं। यहाँ पर लोगों को तभी जाने दिया जाता है जब पानी का लेवल कम होता है। ये खतरनाक नेचुरल पूल है और अभी तक यहाँ पर किसी भी टूरिस्ट को चोट नहीं पहुँचा है। नंबर 2, माउंट वाशिंगटन समिट। माउंट वाशिंगटन यूएस के न्यू हैम्पशायर में स्थित है, जिसे दुनिया का सबसे छोटा खतरनाक माउंटेन माना जाता है, जो कि 6000 फीट इतना ऊंचा है, जहां पर दुनिया का सबसे ज्यादा तेज हवा होने का रिकॉर्ड हुआ है। यहां पर इस पहाड़ की ऊंचाई खतरनाक नहीं है बल्कि यहां का हवा खतरनाक है। अप्रैल 1934 में यहां पर हवा की स्पीड 230 माइल पर आवर देखा गया था, जो कि सच में खतरनाक था। वैसे तो 60 माइल तेज हवा ही हाइकर्स के लिए बहुत खतरनाक बन जाता है। यहां पर सिर्फ हवा ही नहीं बल्कि टेम्परेचर भी -40 डिग्री हो जाता है, और यहाँ तक कि यहाँ पर बहुत तेज स्नोफॉल भी गिरता है। यहाँ पर हाइकर्स जाने से पहले बहुत रिसर्च और सावधानी करके जाते हैं। माउंट वाशिंगटन में आपको ठीक वैसा ही एक्सपीरियंस मिलेगा जैसे माउंट एवरेस्ट के ऊपर मिलता है। नंबर 1, जेकॉब्स वेल। दोस्तों टेक्सास में स्थित सबसे रहस्यमय लेक एरिजोना के पास मौजूद है, जहां पर बहुत दूर से स्विमर यहां पर तैरने आते हैं, जो कि मौत के साथ खेलने जैसा है। ये कुएं में लोग तैरते हैं, पर यह खतरनाक पानी के वजह से नहीं है बल्कि इस कुएं के अंदर अंडरग्राउंड गुफा के वजह से खतरनाक है, जिससे लोग पानी के अंदर स्विमिंग तो करने जाते हैं पर बहुत लोग वापस नहीं आ पाते। यह जेकॉब्स वेल 10 मीटर गहरा और 4 मीटर चौड़ा है। अंदर गहराई में बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, इसीलिए लोग वापस नहीं आ आते, पर फिर भी डाइवर्स यहां पर अपना स्किल आजमाने के लिए आते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर देना।